तो गाइज यार अभी जो टाइम है वो हो रहा है 11:34 और अभी के टाइम पे ही 14 अगस्त के दिन हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। और आज के दिन यानी 14 अगस्त को आप लोगों के भर भर के ये कमेंट आए कि भाई आप जो है 15 अगस्त के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाओ जिसके अंदर आप दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैग बनाओ यानी कि एक बहुत बड़ा भारत का झंडा और फिर कुछ इस तरीके से इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करो। तो गाइज यार आइडिया तो बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन टाइम कम है क्योंकि आज ही आप लोगों की रिक्वेस्ट थी और एक ही दिन के अंदर ऐसा कर पाना लगभग लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन 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 हमारे पास एक दूसरा आइडिया है और उस आइडिया के तहत हम क्या करने वाले हैं, हम एक पूरे पहाड़ को ही, जी हाँ, एक बहुत बड़े पहाड़ को ही भारत के फ्लैग के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। इसीलिए इतनी रात को हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। उसके पीछे एक टेक्नोलॉजी है, एक आइडिया है जिसकी मदद से ऐसा हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर आ जाओ। तो इसके लिए हमें अभी निकलना होगा और कोई ऐसी जगह देखनी होगी जहां पे बहुत बड़ा पहाड़ हो और उस पे बनाएंगे भारत का झंडा, भारत माता की जय। तो गाइस यार ये लेके चलते हैं बुलेरो कैंपर, सभी लोग चल रहे हैं। भर जाओ बैठो बैठो, पीछे पीछे सब भर जाओ। तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। हेलो जैन, जय भारत। अभी झंडा बनाने चल रहे, बड़ा वाला, बहुत बड़ा, आधे घंटे में होने वाला। तो गाइस यार देखो, ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जब अपन देश के लिए कुछ सेलिब्रेट करें, देश की खुशी में अपनी खुशी हो, सारी चीजों को भूल के सभी देशवासी एक साथ हो और किसी चीज को सेलिब्रेट करें। तो ऐसे मौके सिर्फ दो ही आते हैं भाई, एक 26 जनवरी और एक अपना 15 अगस्त। तो 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था और 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे। और भाई उसी दिन के बाद से और उसी आज़ादी की वजह से आज मैं ये गाड़ी अच्छे से चला पा रहा हूँ, आपके लिए वीडियोस बना पा रहा हूँ और उसी आज़ादी की वजह से आप लोग वीडियोस देख पा रहे हैं और अपना जितना भी काम है बिना किसी की गुलामी में अपनी खुद की आज़ादी के साथ में हम कर पा रहे हैं और अपनी लाइफ को जी पा रहे हैं। इसीलिए यार ऐसी चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए और साथ ही साथ कुछ चीज़ें देश के लिए भी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देश है तो अपन है, देश बढ़ेगा तो अपन आगे बढ़ेंगे। भारत माता की जय। तो अपन एक पहाड़ पे चल रहे हैं, बहुत ही ऊंचा पहाड़ है। अभी जब वीडियो शुरुआत की थी तब 11:30 हो रहे थे और अभी लगभग 12 बज जाएंगे कुछ ही देर के अंदर और 15 अगस्त भी आ जाएगा। चलो चलते हैं। कैसे हम करेंगे वो मैं आगे आपको वीडियो के अंदर बताता जाऊंगा धीरे धीरे। तो बने रहो हमारे साथ में और इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और साथ ही साथ लोगों को भी इससे इंस्पिरेशन मिले और उन्हें भी लगे कि अपन अकेले नहीं है, सब साथ में है, पूरी टाइटेनियम आर्मी एक साथ है। ठीक है, चलो तो गाइस यार लगभग लगभग हम पहाड़ के पास में पहुंच गए हैं। अभी गाड़ी जहां तक पहाड़ पे चढ़ पाएगी वहां तक चढ़ाएंगे, उसके बाद में अपने को पैदल ही पहाड़ की चढ़ाई करनी होगी। इधर से रास्ता है। तो गाइस गाड़ी को यहीं पे खड़ी करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर का जो रास्ता है थोड़ा खराब है, गाड़ी ऊपर नहीं जाएगी। पीछे पत्थर लगाओ पहले, तो पहले पीछे पत्ता लगाओ क्योंकि पहाड़ पे है, नीचे गिर गई ना गाड़ी तो जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी इन आराम से। और अभी यहाँ से चढ़ते हैं ऊपर, देखो अभी भी पूरा जितने भी लोग हैं सारी पब्लिक अभी सो रही है, हम ये एक जगह में हैं। ठीक है, बाकी सब सो रहे हैं तो हमें ऊपर की तरफ चलना है। उधर देखो, उधर ठेठ ऊपर पहाड़ है, उस पहाड़ पर चलना है। आ जाओ। तो गाइस रात का मौसम है भाई, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, यहाँ पे तारे देखो बिल्कुल साफ दिख रहे हैं यहाँ से। ठीक है, और अपनी एक सीन है, कभी भी मन उठाया तो कभी भी टीम को बोल देते चलो वीडियो बनाने चल रहे, तो देखो वीरेंद्र नंगे पैर ही आ गया, चप्पल ही नहीं। वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी है अपने, ले मेरी पहन ले। अरे नहीं 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 पहले पहन ले। अरे आप पहनो, पहन ले फिर बोलेगा कि मेरे को तो ऐसे ले आए। आ जाओ, चलो गाइस थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी है, वो चढ़ते हैं। उधर देखो गाइस नज़ारा देखो, क्या बात। आ जाओ आ जाओ।
बहुत अच्छा है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। तो गाइस यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 11:57 होगी, सिर्फ 3 मिनट है, 3 मिनट बाद में 15 अगस्त हो जाएगा, यानी कि इंडिपेंडेंस डे शुरू हो जाएगा। बस 3 मिनट। हाँ बस 3 मिनट, और आप देख सकते हैं कि हम जो है पहाड़ी की चोटी पर भी पहुँच गए हैं। आ जाओ, यहाँ पे माता रानी का मंदिर है, तो माता रानी के दर्शन कर लेते हैं, पहले आशीर्वाद ले लेते हैं जल्दी जल्दी से। आ जाओ, ज़्यादा शोर नहीं करेंगे क्योंकि पब्लिक डिस्टर्ब होगी, इसीलिए शांति बनाए रखेंगे आराम से। ठीक है, चप्पल यहीं पे उतार देते हैं। ये रहा माता रानी का मंदिर। ए माता रानी, जल्द से जल्द बस 20 मिलियन करवा दो। मुझे अपनी ऑडियंस पे पूरा विश्वास है, टाइटेनियम आर्मी पे पूरा विश्वास है, बस हमें शक्ति दो कि हम जल्दी जल्दी अच्छी से अच्छी वीडियोस लोगों के लिए बनाएं, उन्हें पसंद आए और हमारे जल्द से जल्द 20 मिलियन हो जाए। माता रानी आप भी सब्सक्राइब कर देना भैया। देखो यार, माँ है अपन, सब तो औलादे हैं, बेटे हैं अपन, तो जो भी मन में हो मांग लेना चाहिए, माता रानी कभी भी निराश नहीं करती। अब फटाफट से मैं आपको बताता हूँ कि हमारा प्लान क्या है और हम क्या करने वाले हैं। आ जाओ। तो गाइस वो देखो, सामने की तरफ एक बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, और उस पूरे पहाड़ पर हम फ्लैग बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि झंडा बनाने की कोशिश करेंगे। आ जाओ। तो गाइस यार, यहाँ पर है हमारे पास एक इन्वर्टर, क्योंकि यहाँ पे लाइट तो है नहीं, इसीलिए हमारे पास है यहाँ पर एक इन्वर्टर, और हम फ्लैग पता है कैसे बनाएंगे? अच्छा, मैं डर गया, वो फ्लैश लाइट लेके उधर गया था, मैंने कहा यार यहाँ पे ये क्या हो रहा है, तो अपने अलावा और कौन आ गया। तो हाँ देखो, हमारे पास यहाँ पर है एक बहुत बड़ा, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोजेक्टर, देखो, और इस प्रोजेक्टर की मदद से हम क्या करेंगे, उस पहाड़ पे फ्लैग बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो यार, यहाँ पे लाइट तो है नहीं, इसीलिए इन्वर्टर है, और इन्वर्टर क्या बोलते हैं, यूपीएस हाँ, यूपीएस है, तो इससे जितनी देर तक पावर मिलेगी उतनी ही देर के अंदर हमें इस काम को करना होगा, फ्लैग को उस पहाड़ पे प्रोजेक्ट करना होगा, और पहाड़ जो है वो भी काफ़ी दूर है, तो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से इमेज आएगी, किस तरीके से लुक्स आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं, एक अच्छी सी जगह देख लेते हैं, यहाँ पे सही रहेगा है ना, यहाँ पे। तो गाइस प्रोजेक्टर को यहाँ पे सेट करते हैं, इस जगह पे ले आओ। तो गाइस इसे यहाँ पे रख देते हैं, और अगर मैं टाइम देखूँ तो गाइस 12 बज चुकी है। भाई आजादी मुबारक, गोविंद भाई आजादी मुबारक, वीरेंद्र बहुत बहुत मुबारक हो, आजादी मुबारक हो, कैमरामैन आजादी मुबारक हो, आजादी मुबारक हो, लाइटमैन आजादी मुबारक हो। तो चलो फटाफट से फ्लैग बनाते हैं और इस कमाल के मौके को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टर के ऊपर चलाने के लिए हमारे पास लैपटॉप है, तो इसके अंदर तो बैटरी है, इसका तो काम हो जाएगा, इसे खोल लेते हैं, ठीक है। और ये रहा हमारा यूपीएस, जिससे हम इसे पावर देंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं। A few moments later. प्रोजेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा लाइट चूस रहा है, और जो इन्वर्टर है ये वाला, ये टोंट टोंट बोल रहा है, यानी कि इसकी बैटरी खत्म होने वाली है। बाकी गाइस यार लुक्स देखो, गाइस बंद। तो गाइस यार, हमने टेस्टिंग के लिए ही इस यूपीएस को ऑन किया था, लेकिन सारी चीज़ें सेट करते करते ही मतलब कि यूपीएस जो है बंद हो गया, तो आइडिया के अंदर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हमें कोई ऐसी जगह, ऐसी लोकेशन देखनी पड़ेगी जहाँ पे लाइट होता, कि लाइट से सीधे ही प्रोजेक्टर को चला के जो इमेज है उसे प्रोजेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, नीचे चलते हैं, किसी दूसरी जगह पे चलते हैं और वहाँ पे इसे ट्राई करते हैं, ठीक है। आ जाओ, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार जैसा आप सोचे बिल्कुल वैसा ही हो, कई बार आपको ज़िंदगी जो है ना अलग अलग रास्ते दिखाती है, अलग अलग तरीके से, और इसी का नाम ज़िंदगी है यार, जो मांगो ऐसे ही सीधा सीधा मिल जाए तो क्या मज़ा है, थोड़ा सा परिश्रम करना ही पड़ता है। फिर से नीचे उतरते हैं और कोई दूसरी लोकेशन देखते हैं, ठीक है, बाकी करके तो रहेंगे इस चीज़ को, हार नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। आ जाओ। तो गाइस गाड़ी घुमाते हैं, किसी दूसरी जगह चलते हैं, घुमा मोटे घुमा, चले चलो। हैवी ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं अभी। हैवी ड्राइवर को मुझे पग पग पे है ना बताना पड़ेगा, हैवी ड्राइवर ऐसे नहीं ऐसे होना, हैवी ड्राइवर खाई में कुदा देगा, क्योंकि इधर भी खाई है उधर भी खाई है, दोनों तरफ बस खाई ही खाई है, ठीक है। तो हैवी ड्राइवर बिल्कुल आराम से, हमें एक एक कदम फूंक के रखना है, हमें अभी और जीना है, अभी तो अपन आजाद हुए हैं, ठीक है, चलने दो। गाइस वो जो लोकेशन देख रहे हैं वहाँ पे लाइट है, तो लाइट से सामने एक और पहाड़ है, उस पहाड़ पे अपन इस चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
ठीक है यहीं पे करते हैं गाइस, यहाँ पे उतरते हैं और यहाँ पे ट्राई करते हैं ठीक है। यार फाइनली हमने अभी सारी चीजें रेडी कर ली है और इन सभी सेटअप को करते करते ही हमें काफी ज्यादा टाइम हो गया है, तो चलो मैं आपका सेटअप दिखाता हूँ। आ जाओ और रेडी, सब रेडी। और उससे पहले ऑडियंस को टाइम भी दिखा देते हैं। टाइम दिखा भाई, बिल्कुल रियल को गूगल से पूछ लेते हैं। ठीक है गूगल, व्हाट टाइम इट इज? समय रात के 1:51 हो रहा है। ठीक है गाइस, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लगा रखा है एक प्रोजेक्टर, यहाँ पे है लैपटॉप और अब कमाल धमाल शुरू करते हैं। तो उधर की तरफ एक पहाड़ है बहुत बड़ा, उधर अपनी नजरें बनाए रखना। लाइट्स ऑफ। ठीक है गाइस, रेडी रेडी, 1 2 3। गाइस पहाड़ की तरफ देखो, पहाड़ की तरफ देखो, क्या बात है, कितने कमाल के तरीके से हमारा जो भारत का नक्शा है वो उस पहाड़ पे क्रिएट हो रहा है। अमेजिंग यार, मजा आ गया। तो गाइस यार देखा आपने, हमारा जो सेटअप है, हमारा जो आइडिया है वो काफी अच्छे से काम कर रहा है। इतने बड़े पहाड़ के ऊपर भी जो इमेज है वो अच्छे से प्रोजेक्ट हो रही है। तो चलो अब बिना किसी देरी के इतने बड़े पहाड़ पर लहराते हैं भारत का तिरंगा। लाइट्स ऑफ। ऑलराइट गाइस, तो इन 3 2 1। गाइस एक बार मुझे देखो, मैं इतना सा दिखाई दे रहा हूँ और उधर देखो अपना तिरंगा लहराता हुआ कितना ज्यादा अमेजिंग दिखाई दे रहा है। तो चलो मैं आपको पास लेके चलता हूँ। आ जाओ। गाइस यहाँ से देखो, यहाँ से आपको पूरा प्रस्पेक्टिव मिलेगा कि कितने बड़े इलाके के अंदर जो अपना तिरंगा है वो लहरा रहा है। पास में आ जाओ, क्या बात है गाइस, मजा आ गया यार। ये अपना चक्र आप देख सकते हैं किस तरीके से लहरा रहा है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्क्रीन है वो प्रोजेक्ट हो रही है। देखो मजा आ गया यार। गाइस उधर देखो, वो रहा अपना प्रोजेक्टर और यहाँ से देखो अपना तिरंगा। आ जाओ सभी लोग, इधर आ जाओ, क्या बात है गाइस, अभी देखो। तो गाइस बन गया ना सबसे बड़ा फ्लैग और हमने कुछ इस तरीके से किया है सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे को, आज़ादी को। तो चलो पीछे आते हैं और गाइस दूर दूर से जितने भी लोग, लाइट्स ऑन कर दो, दूर दूर से जितने भी लोग इस पहाड़ को देख रहे होंगे उन्हें अपना भारत का तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो कि अपने आप में ही सच में काफ़ी कमाल की बात है, मज़ेदार बात है। आ जाओ, क्या बात है गाइस, देखो ये पूरे पहाड़ पे है गाइस, पूरे पहाड़ पे। नीचे देखो लैपटॉप कितना सा है और उधर देखो सामने देखो, अमेजिंग, मजा आ गया गाइस। तो गाइस यार आई होप ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। हमने पूरी कोशिश की कि आपने हमसे जो रिक्वेस्ट की उसे पूरा करें और साथ ही साथ में आप लोगों के साथ में ही स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें। तो गाइस यार यकीन मानो मज़ा आ गया, काफ़ी टाइम हो गया लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक खुशी है, एक जुनून है, एक जज्बा है अपने देश के प्रति। तो गाइस यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने देश के प्रति यानी कि अपने भारत देश के प्रति अपना जो जुनून है, जो जज्बा है, जो सम्मान है वो इसी तरीके से बनाए रखेंगे और कुछ ना कुछ अपने देश के लिए ऐसा करेंगे जिससे देश का भी, आपका भी, अपने मम्मी पापा का भी, सबका नाम रोशन होगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। गर्व से कहता हूँ मैं भारतीय हूँ, हम सब भारतीय हैं। बाय बाय।